आप दिल्ली में? हाँ जी भैया। दिल्ली किधर है? दिल्ली जनकपुरी साइड। सो आज भैया फिर छोड़ने जा रहे हैं मुझे, और भैया छोड़ देते हैं, कहीं जाना होता है। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और होली है तो ये टीका लगा रखा है मैंने, और भैया छोड़ने वाले हैं। कार पार्किंग में से निकल चुकी है और देखते हैं क्या प्लान है। मेट्रो स्टेशन पे मैंने भैया को बोला छोड़ दें, सो डैट मेरे लिए इजी हो जाए कहीं जाना, क्योंकि कार में मेरे को ट्रैवल नहीं करना, वरना तो मैं भैया को लेके जा सकता था। उसमें एक्सप्लोर नहीं कर पाते हम, एक्चुअली प्रॉब्लम ये रहती है। सो भैया फिर से हमारे साथ में है। भैया कहाँ पे छोड़ने वाले हैं? वो मुझे देहरा सिटी सेंटर, देहरा सिटी सेंटर भैया छोड़ देंगे। सो वहाँ से चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाना है, क्या डेस्टिनेशन है। ऑल्दो आज मैंने प्लान किया कि बीच साइड जाने का सोचा है, बाकी देखते हैं, एक फ्रेंड और है वो भी मिलेगा तो साथ में एक्सप्लोर करेंगे। टाइम से हो गया आप दुबई में? 25 साल से। तो आपको सब पता होगा यहाँ का, मोस्टली सब कुछ। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ मतलब किसी भी चीज़ में, कि यहाँ पे मतलब कोई कानून हो, कोई रूल हो। रूल बहुत, इधर पुलिस का रूल बहुत बढ़िया है। बढ़िया रूल है? अच्छा। ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा तो भी थोड़ा तकलीफ, मतलब अच्छा ट्रेनिंग होना चाहिए, कानून से गाड़ी चलाएगा फिर मिलेगा। अच्छा, जो गलत करते हैं उसी टीम को फाइन आएगा। अच्छा फाइन भी। अच्छा लाइसेंस सस्पेंड भी कर देते हैं? हां, ये ब्लैक पॉइंट 22 ब्लैक 24 ब्लैक पॉइंट आएगा तो सस्पेंड हो जाता। अच्छा ओके। और बाकी यहां घूमने का सब कुछ 30-40 किलोमीटर के बीच में ही है? हां इतना है। अच्छा, अभी 15-20 साल से अभी इतना बढ़ गया दुबई, हमारे सामने से बढ़ गया। अच्छा, आपके टाइम में काफी कम हुआ? हां बहुत कम था। डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया ना। एमिरेट्स टावर था इसके बाद। अच्छा, ये एमिरेट्स टावर सबसे बड़ा टावर था पहले यहाँ? पहले ट्रेड सेंटर था, इसके बाद एमिरेट्स टावर आ गया था। अच्छा, फिर बुर्ज खलीफा है। अच्छा, उसके बाद बुर्ज खलीफा है। मेट्रो इधर आया 2009 में। 2009 में? अच्छा ओके ओके। तो भैया ने कुछ जानकारी दी है कि पहले ट्रेड सेंटर सबसे बड़ी बिल्डिंग थी यहाँ पे, फिर एमिरेट्स हुआ, फिर उसके बाद बुर्ज खलीफा हुआ। और वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हमेशा करते हैं ये दुबई, हर जगह हर चीज़ों में। यहाँ गार्डन जो मिरेकल गार्डन है वो भी काफ़ी बड़ा है। मिरेकल गार्डन पहले दुबई फेस्टिवल इधर ही था, अभी चेंज किया ग्लोबल विलेज पे 15 साल हो गए। अच्छा, ग्लोबल विलेज पे अब कर दिया सर। अच्छा 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 ओके। उतार दिया है हमें सिटी सेंटर पे, और सिटी सेंटर से मेट्रो करके जाना है अल खैरा समथिंग, ऐसी कोई जगह है, और वहाँ पे फ्रेंड मिलेगा, फिर वो मुझे ड्रॉप क्या करेगा मेरे को लेके ही जाएगा। तो पहले मेट्रो पकड़ते हैं। अभी मेरे को कार्ड भी रिचार्ज करना है, मुझे पता नहीं कैसे रिचार्ज होगा। सो मेरा दोस्त मुझे मिलेगा अल खेल बोलना नहीं आता, उसके लिए माफ़ी है। सेकेंड नंबर गेट पर एग्ज़िट करके खड़ा हुआ है वो, उसका फ़ोन आया भी, और जा रहा हूँ उसी साइड। बाकी बाहर का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है भाई, हमारा मिल गया हमें। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया। मज़ा आ रहा है दुबई में? बहुत मज़े आ रहे हैं। आओ बैठो। ये रही भाई की कार, और लॉक है हाँ। गया गाड़ी वापस। गाड़ी खराब हो गई थी भाई की? है हाँ। क्या हो गया था भाई गाड़ी में? ठुक गई थी साहब। अच्छा, अब ठीक है गाड़ी वाड़ी सब सेटल? कितने बहुत दिन लग गए शायद गाड़ी में? बहुत पैसे खर्च हो गए भाई गाड़ी में। कितने लग गए भाई ये भी बता दे, मेरी पब्लिक देख लेगी हमारे भाई के पैसे खर्च हो गए। चंदा इकट्ठा करवाऊंगा फिर उन लोगों से। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीट बेल्ट पहन ले लीजिए। Only for Masha customer, sir. We are offering motor insurance. Boss, give me a call tomorrow morning, please. Tomorrow morning, sir? Yeah. हाँ भाई, तो कुछ कार के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दे यार। कार के बारे में दे दे कुछ तो, दे दे यार। कितने की पड़ती है ये इतना बता दे भाई। पड़ेगी 60 लाख के आसपास की। 60 लाख तो मैं तो ले ही नहीं पाऊंगा फिर ये। और भक्ति कितनी है?
भक्ति है, 260 दिखा रखा है मीटर तो। 260 में भगाई नहीं है कभी, लेकिन कितनी लास्ट टॉप मतलब भगाई है? 240 के आसपास। 240 पहुंच गई, सही है। और यहाँ स्पीड लिमिट है, काफी है? हाँ है ना, जहाँ कैबिन रेडियो तो वहीं भगा सकते हैं सिर्फ। ओके तो भाई, काफ़ी लोगों को ये भी बता देता हूँ, ये भाई हमारे साथ बहुत पुराने जुड़े हुए थे, लेकिन ये कहीं और आके जुड़ गए, दुबई में आके जुड़ गए हैं। और भाई के साथ वर्कआउट वर्कआउट करा करते थे हम एक टाइम पे, एक ज़माने में, और लेवल वाली बात थी, लेकिन भाई के अंदर थोड़ा सा फिर वो आ गया। क्या आ गया भाई? भाई बोलता है कि तू बिजी आदमी है, मेरे को लगता है भाई बिजी आदमी है। To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can. So Sachin ko jana pad gaya kisi kaam se, bahut zaruri, aur uski wife ka phone aa gaya actually, to usko wahan jana pad gaya. Isliye abhi hum aadhe ghante baithe hue the, matlab baatein kari purani purani, aur अभी मेरे को उसने ड्रॉप किया है JVR बीच पे, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर टू अदर बीच। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, और यहाँ पे देश के, दुनियादारी के हर जगह के लोग आते रहते हैं। सो अभी आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। Shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. So abhi main baitha hua hu JPR beach pe, jo ki kafi zyada famous hai, yahan pe sabse zyada foreigners aate hain, aur as compared to Zumeray, Kite beach और कौन से बीच हैं, ये बहुत सारे बीच हैं, लेकिन ये जो JVR बीच है, इवन मरीना बीच ऑल्सो, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट बीच ये है। बस मरीना बीच का क्या है कि आपको एक तो मतलब होटल दिख जाते हैं, अल अरब करके होटल है, वो आपको उसका व्यू मिल जाता है। ऑल्दो दिस इज़ बेस्ट बीच इन दुबई, जिसका नाम है JVR बीच, और यहाँ पर आप आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हो, और आपको यहाँ पर कोई शर्मिंदगी महसूस की होगी, आप यहाँ पे नहाएं, कूदें, कुछ भी करें, सन बात लें, जो मन करे आपका वो कर सकते हैं आप। और अभी मैं भी सन बात ही ले रहा हूँ, क्योंकि जैसा देश वैसा भेज, वो वाली कहावत। और थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करेंगे, बैठेंगे, बाकी आपने शॉर्ट्स देख ही लिए कि क्या है ये कार्यक्रम इस बीच का, यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ से देखते हैं फिर कहाँ जाना है। थोड़ी देर मैं किसी कैफ़े में भी बैठूँगा, कुछ खाना है यार, भूख लग रही है, और मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, और झूला दिख रहा मेरा। और यहाँ पे कुछ होते हैं वाटर एडवेंचर्स, जेट स्की का 15 मिनट का, 250, फ्लाई बोट, डोनट राइड, बनाना राइड, फिश, फ्लाई फिश, पैरासीलिंग भी होती है यहाँ पर, 350 दिरहम। तो आप यहाँ पर ये भी सब कुछ कर सकते हैं, और ये नज़ारा है पूरा। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, बाय बाय करते हैं। I've lost my chance to see us find our way back, and in the end amidst these trying times I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back, so stay. मरीना प्रोमेनाड, यहाँ होती है पार्टी, पूरा डोशो क्रूज जो होता है यहाँ पे, वो उसमें होता है।
और मैं नहीं कर रहा क्योंकि अकेले तो भाई मज़ा नहीं आने वाला, दोस्त होंगे तभी आऊँगा। बाकी सामने है और ये पूरा यहाँ पे सैर सपाटा कराते हैं। बाकी पूरा ये मरीना पड़ता है, मरीना प्रोमिनाड इसको कहते हैं। बाकी अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने घर के बाहर और नीचे आके कुछ बाहर का नज़ारा देखना चाहता था जहाँ पे मैं रहता था। और यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर। देखा आपने आज कि कैसे मैंने आपको आज बीच दिखाया दुबई का। कीप सपोर्टिंग, नया ब्लॉग जल्दी आता है।